अमरनाथ जी अपने सबके स्वागत के लेत कोनो कमी नहीं रखलखिन, लेकिन अगर कोनो कमी रहियो गेल हो तो गीता के एक पंक्ति से ओकर हम पूर्ति करय चाहब। भगवान श्री कृष्ण कहने छथिन, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि हमरा में अहाँ सब गोटा मणि के समान मोती के समान ओतः प्रोत छी। ते मोती के नाम नहीं होइ छे, जिनकर नाम छुटि गेल हो, जिनकर नाम दू बेर भाग गेल हो, ते नहि ओहिमे बहुत अधिक उत्साहित के स्थिति छै, नहि हतोत्साहित के स्थिति छै। अपने सब गोटा एक कार्यक्रम में मणि जकाँ अनुस्यूत छिए। ई उद्घाटन सत्र छले, अब हम एकरा साहित्यिक सत्र के लेल आगा बढ़ा रहल छी। आ जे एखन के पहलुक जे वक्ता छथि राजेश झा जी, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, उम्र कम देखाई पड़ रहा है। बैसू कने कने हमरो बजबाक मौका दिया राजेश जी। हाँ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हमरा सबके दमका नहीं रखे छी, लेकिन आई हम अहाँ के दमका रहल छी। तो कहलिए जे देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ई विषयों तेहने गंभीर लेने छथि स्त्री सशक्तिकरण। अमरनाथ जी टिप्पणी कलखिन त्रेता युग में स्त्री सशक्तिकरण के, लेकिन हम संदर्भ उदाहरण दऽ रहल छी वाल्मीकि कृत रामायण के। सबसे पहिने तऽ सशक्तिकरण के समझबाक जरूरी छै। हम आइ के युग में एतबेटा बुझै छियै जे पति के उत्तर दऽ सकै, जे पति के दमका सकै, ओ नारी के वास्तविक सशक्तिकरण होइ छै। अपने सब एक बात नहीं जानै छियै कि ओ सीता छलथिन जहन राम मना कऽ देलखिन कि हम अहाँके वनवास नहीं लऽ जायब, हम कने क्षमा प्रार्थी छी ओहि शब्दोच्चारण के लेल सीता के वक्तव्य वाल्मीकि रामायण के, कि सीताजी राम के संबोधित करैत कहलखिन कि मेरे पिता ने मेरी शादी किस निकम्मे से करवा दी। ध्यान रखबे प्रवचन में इस विषय के उल्लेख नहीं होइ छै, लेकिन संदर्भ हम अयोध्या कांड के उदाहरण दऽ रहल छी कि सीताजी राम के सामना स्टैंड लेने छलथिन आ कहलखिन अहाँ कुना नहीं हमरा लऽ जायब, हमरा क्षोभ होइए कि कोन व्यक्ति के संग, कोन निकम्मा के संग हमर पिताजी हमर शादी करवा देने छलथि। तऽ सशक्तिकरण के तत्व सबसे पहिने नारी शब्दे पर्याय होइ छै सशक्तिकरण के। दुर्गा सप्तशती जहन अपना सब पाठ करै छी दशहरा में, तऽ केवल एक ही चीज बार बार करै छी, शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओहि सशक्तिकरण के संदर्भ के आर आगाँ बढ़ेबा के लेल हम अपन मित्र संगहि अनुज राजेश जी का एहिठाम आमंत्रित करै छिए कि ओहि सशक्तिकरण के अपन सशक्त भाषा से आर सशक्त करौथ। राजेश जी, धन्यवाद। अगर ऑल इंडिया रेडियो पे अहाँ संस्कृत में समाचार सुनबै तऽ जे परिचित आवाज छै ओ अहाँ के सुनाई देत, पंकज जी के आवाज रहै छै। आइ गांधी दर्शन और स्मृति समिति में हम सब आई चर्चा पे एलौं हैं, और गांधी जी जे सामाजिक जीवन में जे एक्टिव लोग छथि, पॉलिटिकली एक्टिव लोग छथि, ओकर जे हम प्रतिमान देख सकै छी ओ हम स्टूडेंट लाइफ से प्रभात झा जी के देख रहल छियनि। तऽ गांधी जी के जे वे ऑफ लिविंग रहनि, अगर ओकर केओ अखन चलैत फिरैत केओ प्रतिमान भ सकै छै तऽ ओ प्रभात झा जी, तऽ आदरणीय प्रभात झा जी, आदरणीय आर के सिंह जी। हमसब बच्चा में जखन पटना जाइ तऽ गांधी मैदान पे जे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर छै ओहिठाम लिखल रही हिंदी में आर के सिंह। तऽ आइयो हमसब वएह अखनो जाइ छियै तऽ हमरा सबके ओ जे इमेज छै आर के सिंह लिखल, ओ अखनो हमसब बिसरलिए नहि। अखनो बुझाइ छै कि आर के सिंह हमरा सब लेल पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छथि, और बिहार कैडर में ओ जे बच्चा में जे इमेज जाइ छै से अखनो अगर बिहार कैडर के केओ एकटा आई एस ऑफिसर हमरा सबके इमेज में हमेशा रहै छथि, मेमोरी में रहै छथि, तऽ ओ आर के सिंह जी छथि। परमादरणीय आर के सिंह जी, परमादरणीय मनिन्द्र ठाकुर जी, हुनका से हमर सबके बड़ा एक स्कूल के हमर सीनियर भी छथि, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमर सीनियर रहैत एहिठाम, और एज ए स्टूडेंट भी हम हुनकर रहलियनि। अरविंद झा जी, हमसब एक हॉस्टल में संग रहलहुँ। मैडम शिफालिका वर्मा जी, जिनका से हमर सबके बड़ा पारिवारिक संबंध है। गांधी स्मृति दर्शन समिति के डिप्टी डायरेक्टर साहब कुंडू साहब,
और आई के मेन ऑर्गेनाइजर अमरनाथ झा जी, जिनका से फेसबुक पर हमेशा हिनकर एक्टिविटीज के देखैत रहे छी, और वाकई में मिथिला के कार्यक्रम के लेल आई के जे प्रोग्राम हमरा याद है, एकटा मूवी एले लगे रहो मुन्ना भाई, तब हम ओकरा एहि दुआरे कहि रहल छी कि हमर एक छोट बेटी रही करीब 3-4 साल के, तो ओ डीवीडी के बार बार देखे ओहि समय ओ, और गांधी के हम एकेडमिशियंस भी पढ़वे छिए, ओहि पे लिखै छिए, बहुत किताब आबि गेले, लेकिन गांधी के मूल भावना के हमरा बुझाइए जे लगे रहो मुन्ना भाई, जेना रिप्रेजेंट केलके, जेना कन्वे केलके, कि छोट छोट बच्चा भी ओकरा बार बार देखे, हमरा बुझाइए आइ के कार्यक्रम, आइ जानकी जे सिम्बोलाइज करै छथिन, जे रिप्रेजेंट करै छथिन, और जै हिसाब से जानकी के मिथिला में आइ के जरूरत छै, ओहि पे भी हम लास्ट में अपने के कहबै कि किया है मिथिला के जानकी के ज्यादा जरूरत छै, ओ एहि कार्यक्रम से जे कन्वे करे के अमरनाथ जी के कोशिश छै, तो हम इएह कहब लगे रहो अमरनाथ झा जी और लगे रहो सविता खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने मौका दिलिए। हम 2-3 पार्ट में बात करे के कोशिश करबे, हम आई के आई में नहीं जाए के कोशिश करबे कि एक तो समय बहुत कम छे, 10 मिनट के समय हमरा देल गेल छे कि स्त्री सशक्तिकरण के की डिबेट छे, माइंड का हम चले कि स्त्री सशक्तिकरण के मतलब ये छे कि डिसीजन मेकिंग के पावर होबक चाही, ऑटोनॉमी होबक चाही, और एक टा वर्किंग जे गांधी के करीब भ सके छे, जे डेफिनेशन जे ना मतलब वो यह भ सके छे कि विमेन के जे राइट्स छे, जे ऑटोनॉमी छे, वो ओकरा इंश्योर कैल जाए, दैट इज द विमेन एम्पावरमेंट। आप किछ हम इश्यूज के अहाँ के सामने लैब, हम बहुत डिटेल में चर्चा नहीं कऽ पाएब, लेकिन हमरा बुझाइए सब गोटा सुधी जन छी, अहाँ सब एहि पे विचार कऽ सकै छी, एक डिबेट के अहाँ एक्सप्लोर कऽ सकै छी कि आइ जे जानकी महोत्सव छै और स्त्री सशक्तिकरण छै, हम बड़ा बहुत लोग कहै छथिन कि भाई भारत में सरस्वती के पूजा करै छी, लेकिन अगर अहाँ विमेन के लिटरेसी देखियौ तऽ बहुत स्थिति दयनीय छै, अगर एज कम्पेयर टू मेल। सेम वे लक्ष्मी मतलब धन के देवी छथि, लेकिन धन के अधिकार नहीं छे, तब ई बहुत डिबेट छे सोशल साइंस में कि जे देवी के पूजा होइ छे ओकर एक आम जे महिला छे ओकर दैनिक जीवन पे की असर छे, एम्पावरमेंट ओकरा थ्रू भ रहल छे या एम्पावरमेंट नहीं भ रहल छे, और दुनू व्यूज छे एहिमे। कई लोग कहै छथिन कि नहीं अहाँ के देवी के स्वरूप दऽ कऽ अहाँ के पूजा के लायक माइंड कऽ अहाँ के एम्पावरमेंट नहीं कयल जा रहल है, रादर डिसएम्पावर कयल जा रहल है। देयर इज अनदर व्यू, जेना रूथ बनीता वगैरह छथिन, ओ सब मानै छथिन कि ई जे माइथोलॉजिकल स्टोरीज छै या देवी के स्वरूप में जे हम पूजा कऽ रहल छियै, और जे हिंदू धर्म के एकटा ट्रेडिशन छै कि मतलब देवता और आदमी मनुष्य के बीच के दूरी जे छै ओ काफी कम रहै छै, ओहि कॉन्टेक्स्ट में कतौ ने कतौ पॉजिटिव असर छै। और कई मूवमेंट्स इवन हाल फिलहाल में भी कई मूवमेंट्स छै जे कि देवी के प्रेरणा से लऽ कऽ मोबिलाइज करे के कोशिश कयल गेल छै, जेना कि मान लिया शेतकारी संगठन केलके फार्मर्स मूवमेंट में महाराष्ट्र में, ओहिठाम सीता के या लक्ष्मी के इमेजरी के यूज करैत ओ सब काफी मोबिलाइज केलके कि भाई जे खेत छै या प्रॉपर्टी छै वो विमेन के नाम पे ट्रांसफर भऽ जाय। गांधी के अहाँ कतऽ एहिमे लोकेट करबै, गांधी देखियो गांधी के देखे लेल अहाँ के ई समझ पड़त कि वो कई तरह सोशल रिफॉर्मर रहथिन, हुनका समाज के बारे में की व्यू रहन, सोशल रिफॉर्म के बारे में की व्यू रहन, इंडिविजुअल के बारे में की व्यू रहन,
और कम्युनिटी के बारे में की व्यू रहन और इंडिविजुअल कम्युनिटी के बारे में की व्यू रहन। गांधी बहुत क्रिएटिव रिफॉर्मर रहथिन। रिफॉर्म दो तरीका से भ सके छै। अहाँ मान लिए एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन के गारि दियौ, ओहिमे अहाँ के कतेक क्रेडिबिलिटी बनत, कतेक एक्सेप्टेबिलिटी बनत, ई बहुत प्रश्न के विषय वस्तु छै। गांधी जी रियलाइज केलखिन कि अगर अहाँ भारत में सामाजिक परिवर्तन लाबक चाहै छी, सामाजिक सुधार लाबक चाहै छी, तऽ एक बहुत फेमस कोट छन गांधी जी के कि इट इज बेटर टू स्विम थ्रू द ट्रेडिशन, इफ यू विल ड्राउन इन ट्रेडिशन यू विल डाई। मतलब अहाँ नेविगेट करू थ्रू ट्रेडिशन के तो यू कैन गेट अ बेनिफिशियल रिजल्ट। और ई चीज के अहाँ देखबै तो हुनकर जे पूरा मोबिलाइजेशन छै, जे रिफॉर्म्स के ऊपर जे हुनकर अप्रोच छै, जे ट्रेडिशन के ऊपर केना इस्तेमाल कयल जाय सामाजिक सुधार में, ओहि के ऊपर गांधी जी के काफी ओहि पर्सपेक्टिव में हमरा सबके देखय के जरूरत छै। दोसर बात हम कहब कि रामायण के संदर्भ में हमरा सविता जी कहलथि कि अहाँ के किछु बात करक छै। हम एकेडमिक काउंसिल में दू बेर इलेक्टेड मेंबर रहलहुँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और एक बेर हमरा सबके सामने बड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल इशू एलै। एकटा किताब छै 300 रामायणस, सविता जी के सब्जेक्ट छै हिस्ट्री, ओहिमे ओ सजेस्टेड रीडिंग्स में रहै और कोनो ऑर्गेनाइजेशन रहै ओ केस केलकै कि भाई 300 रामायणस में सीता जी के बारे में किछु ऑब्जेक्शनेबल बात केल गेल छै, तऽ अहाँ ओकरा ओहिठामसँ हटा दियौ। और सुप्रीम कोर्ट हमरा सबके एकेडमिक काउंसिल में ओहि बात के रिकमेंड केलकै कि आप लोग डेलिब्रेट करके बताइए कि हमें क्या करना है। 6-7 घंटा ओहिपर बहस भेलै और जे डिसीजन भेलै ओहिमे ई भेलै कि भाई हमर सबके डिसएग्रीमेंट रहै कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होबक चाही रामायण के, डिफरेंट स्टोरीज छै। 300 रामायणस कई सारा रामायण छै। हमरा बुझाइए मिथिलांचल के रामायण के ऊपर भी एहिठाम चर्चा हेतै, जे कई 2-3 वर्जन तऽ हमर मिथिला के भी रामायण में छै। जे सीता के वर्जन हमसब पढ़ै छी या सुनै छी ओ एक वर्जन छै, देयर आर कई और भी वर्जन छै। गांधी के वर्जन और सीता, हमरा बुझाइए, देखिए गांधी जी सीता के एक रोल मॉडल के तरह प्रेजेंट केलखिन सीता जी। लेकिन अहाँ देखियो गांधी जी और रामायण के संबंध छै। ओ अपन ऑटोबायोग्राफी में लिखै छथिन कि गांधी जी बहुत डरपोक बचपन में रहथिन, भूत प्रेत के जेना कोनो आम आदमी एक आम बच्चा के जेना डर लागै छै, गांधी जी के भी लागैन। तऽ हुनका ओहिठाम जे एकटा जखन छोट रहथिन तऽ एकटा सर्वेंट रहै, फीमेल सर्वेंट रहै। गांधी जी के जीवन में हुनकर जे विमेन के बारे में अप्रोच रहन, जे हुनका लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस केलकैन, विमेन के बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहन। और गांधी जी के विमेन एम्पावरमेंट के कंट्रीब्यूशंस में अहाँ के ई तीन चीज के बड़ा ध्यान राखक पड़त। एक तो हुनकर माँ और एक हुनकर पत्नी, और हुनकर पत्नी के साथ जे हुनकर संबंध रहन ओहो बहुत ट्रांसफॉर्म भेलै ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तेसर जे हम रामायण से हुनकर जे लिंक रहन, राम नामा से जे लिंक रहन, ओ एक फीमेल सर्वेंट रहन जे ओकर हुनका बहुत हुनका लेल प्यार रहन ओ सर्वेंट के लेल। ओ कहलकै कि अगर तुमको डर लगता है तो तुम राम नामा का पाठ करो। और ओहिठाम से हुनकर रामायण के साथ लिंक शुरू होइ छै। और वो मानै छथिन कि तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरित मानस है, वो वही जे भक्ति के लिटरेचर छै, जतेक भी भक्ति के लिटरेचर छै ओहिमे ग्रेटेस्ट लिटरेचर वो मानै छथिन। तऽ एक खास ट्रेडिशन के प्रति, एक खास इंटरप्रिटेशन के प्रति गांधी जी के आइडिया रहन। देखियो सीता जी से हमहूँ सब बड़ा पर्सनली लिंक छी, किएक तऽ जनकपुर हमर माँ, हमर जे माता मै रहथिन ओ जनकपुर में काज करैत रहथिन। और हमरा याद है अखनो बचपन में हम सब जनकपुर जइए रादर, कई बेर तऽ हमर सबके मुंडन वगैरह भी जनकपुर में भेल छै। तऽ सीता के कहानी बचपन से हम सब सुनै छियै
और सीता के जे मुख्य धारा के कहानी छै ओ या छै कि भाई ओ सैक्रिफाइस केलखिन हस्बैंड के लेल जे ड्यूटी होवक चाहिए ओकर परफॉर्म केलखिन और सीता के जे अपील छै ओ अपील अही में छै कि सैक्रिफाइस में छै और उनकर प्यूरिटी में छै उनकर चेस्टिटी में छै उनकर सैक्रिफाइस में छै और जे ट्रीटमेंट उनकर बेलन जे वाल्मीकि रामायण में सीता के वर्जन छै और जे रामचरित मानस में सीता के वर्जन छै ओहि में दोनों में अंतर छै ओकरा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्थापित करय लेल तुलसीदास जी वाल्मीकि रामायण में जे रामचंद्र जी के जे क्रिटिसिज्म भेले ओहि के रिमूव ओकरा हटा देलखिन तब जे मेन स्ट्रीम में सीता छै गांधी जी ओहि समय में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जे ओ बात कहै छथिन कि अखन जे भारतीय नारी छथि हुनका सबके नव सीता बनिके उभर के आबक चाही देखो गांधीयन टेक्निक्स में गांधी जी के हम बहुत क्रिटिसिज्म कह सकै छियै लेकिन क्यों आलोचक भी बात के अस्वीकार ई तथ्य के अस्वीकार नहीं कह सकै छै कि घर से निकाल कर और पॉलिटिकल मूवमेंट में अतेक बड़का पार्टिसिपेशन अगर नारी के भारत में केकरो कोनो पॉलिटिकल लीडर वो तो उससे भी बड़ा अत्याचारी है वो और सीता जी खुद काली के रूप में जेकरा हम सब मिथिलांचल में हम सब ज्यादा आइडेंटिफाई कर सके छी वो तो जे शक्ति और वैष्णव ट्रेडिशन के कॉम्बिनेशन और जे स्त्री शक्ति के उद्गार छै सीता में ओ अहि रामायण में तो हमरा बुझाइए कि आई हम सब जे ट्रांसफॉर्मेशंस छै जे जरूरत छै शायद गांधी भी रहता थिन तो सीता के मोर